कलर? ब्लू कलर। Er ist ungefähr groß wie mein Mann. Also mein Mann ist groß wie Tisch. Ja. Ne? Und das ist so lang. Ich denke, reicht das. Das müsste reichen. Ja. Bis halb eins. Bis halb 10 bis halb 1. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। होपफुली आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन। तो शुरू करती हूँ मैं आज का ब्लॉग। तो ये जो फूल आप लोगों को पहले नज़र आया ना, ये ना 8 मार्च को हमारी तरफ आए थे। सम्मी का एक फ्रेंड आया हुआ था और उसकी मदर उसे छोड़ने आई थी। तो उस दिन फ्राउन टाग था, इंटरनेशनल वुमेन डे था। तो वो मेरे लिए ना ये फूल लेके आए थे। और माशाल्लाह से आज ना मैं सुबह जब इनको ने सिरे से पानी डाला है ना, तो वैसे के वैसे ये फ्रेश फूल है। तो ऐसे ही मैंने थोड़ी सी इसकी रिकॉर्डिंग की। मुझे बड़े अच्छे लगे थे ये वाले फूल। अच्छा, उसी दिन मुझे ना मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई हुई थी, वो जो मैनचेस्टर से आई हुई थी, मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। तो वापस आई हूँ तो मेरे बेड के ऊपर भी फूल पड़े हुए थे। तो बच्चे सारे सो गए हुए थे, मैं अब हैरान परेशान हूँ ये फूल कौन रख गया। तो वो मुझे असद की तरफ से मिले थे, वो भी ड्राइंग रूम में पड़े हुए हैं। वो मैंने अगले क्लिप में इंशाल्लाह वो भी अगली ना वीडियो में आप लोगों के साथ वो भी शो करूँगी। सही, वो भी ना खिल गए हैं फूल। जब दिए थे असद ने तो छोटे छोटे से थे, लेकिन अब वो माशाल्लाह से सही इतना बड़ा बड़ा सा वो है फूल। वो मैं अब मुझे उनका नाम नहीं पता उन फ्लावर्स को क्या कहते हैं। वाइट कलर का है तो ट्यूलिप टाइप है, ट्यूलिप जैसे होते हैं, लेकिन वो कुछ बड़ा सा है, थोड़ा और किस्म की वैरायटी का ट्यूलिप है। तो अब आजकल ना हमारे ड्राइंग रूम में वो सही खिला हुआ है और इतनी प्यारी उसकी खुशबू आ रही है। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने सुबह सहरी खा ली थी, बच्चों ने अकॉर्डिंग टेस्ट जो उन्होंने कहा मैंने वही बनाया। अच्छा, असद ने और अरहम ने ना जो रात का बचा हुआ पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था ना, इन्होंने वही खा लिया था। और अपने लिए मैंने पराठा बनाया था। बच्चों को मैंने अब छोड़ना है स्कूल और साथ ही ना मैंने जॉब पर चले जाना है। और इस टाइम ये जो आप लोगों को सीन नज़र आ रहा है ना, मैंने अभी अरहम को तो ले लिया है और साथ में असद का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इनको ले कर मैंने आज घर जाना है। और मैं जिक्र करना भूल गई हूँ, आज पहला जुमा था रमज़ान मुबारक। तो होपफुली सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा, इबादत करते हुए गुजरा होगा। मेरी आदत है हमेशा ना जुमे वाले दिन जब भी रमज़ान मुबारक का जुमा आता है ना, तो तस्बीह नमाज़ ज़रूर मैंने पढ़नी होती है। आज मुझे इतनी आवाज़ आर्गी हुई है सारा दिन, कह लें कि जॉब से आके मैंने जैसे मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि समी के लिए मैंने स्टफ़ लेना था, तो थोड़ी सी भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं ना आ गई हुई हूँ अब स्टफ़ लेने। तो मैंने जल्दी जल्दी में अफरा तफरी में जोहर की नमाज़ पढ़ी है, तस्बीह नमाज़ मेरे से नहीं पढ़ी गई है। तो वैसे भी ना दिमाग के किसी हिस्से में ये है कि पाकिस्तान में हमारे ना उधर कहते होते थे, वैसे ये इधर आके मुझे ये पता है तुर्की लोग तो किसी भी टाइम पढ़ लेते हैं, हमारे उधर ये कहते हैं जुम्मे वाले दिन जो है ना 12 बजे से पहले पहले तस्बीह नमाज़ लाजमी पढ़नी चाहिए। तो मैं भी ना 12 बजे से पहले पहले पढ़ती होती हूँ। और बाद में खैर आज तो मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन आने वाले इंशाल्लाह दिनों में ये है कि बंदा जब मर्जी जब भी टाइम मिले ना तस्बीह नमाज़ बंदा पढ़ सकता है। बड़ी इसकी फजीलत है, ज़रूर पढ़नी चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज तो मेरे से नहीं पढ़ी गई है, लेकिन ये सैटरडे संडे आ रहा है, इंशाल्लाह मैं घर पे ही हूँ, जॉब वगैरह पे नहीं जाना, फ्री हूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर तस्बीह नमाज़ पढ़नी है। अच्छा, हम लोग आए हुए इधर स्टफ़ लेने के लिए ना। Ja, lieber 1,50 Meter, weil ich brauche auch Gürtel auch, ne? Ah ja, genau, ja, weil wenn ich jetzt 75 wäre, so, dann hätten Sie das schon mal für die Länge vorne, ne? Ja, ja. Ich kann auch auf 1,20 gehen, dann wäre ich, Moment, 60 wäre so vorne, 60 nochmal hinten, dann haben Sie 1,20 Meter weg und Sie haben noch 30 Zentimeter für den Gürtel über. Gürtel, ja. Dann wäre ich bei 1,50 Meter. Okay. 1,50 Meter. Ja, okay. अच्छा जी, इन लोगों की मैं ईमानदारी का जिक्र करने लगी हूँ कि जो मैंने स्टफ़ पकड़ा था ना, मैं ना नॉर्मल जाना मैंने हॉलैंड था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे ये था कि अगर मैं वहाँ चली गई तो आके इफ्तारी का इतमाम जो है ना मेरे से नहीं हो सकेगा। तो इधर जो लोकल हमारे मोहल्ले में हमारे गली में ये जो हमारा छोटा सा गाँव है ना, इसके साथ ही एक और गाँव है, उधर एक दुकान है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इधर चेक कर लेती हूँ। तो एंटर हुई हूँ तो मुझे वो स्टफ़ मिल गया। अब मैं ढूंढ रही थी, मैं ना इधर से अक्सर स्लिप वगैरह जो है ना शमीज़ें जो बनाते हैं उनका कपड़ा इधर से लेके जाती हूँ, 4-5 यूरो में मीटर मिल जाता है। मैं सारा टाइम ढूंढ ढूंढ के थक गई,
मुझे नहीं मिला. फिर मैंने ना वो जो महंगी वाली वैरायटी थी वो कपड़ा मुझे अच्छा लग गया. अच्छा क्या लगना, उसी में कलर मिल गया. वो 14 यूरो का पर मीटर था और मुझे तकरीबन ये 3 मीटर कपड़ा चाहिए था, तो मेरे लिए ना वो ज़्यादा पैसे बन रहे थे. मैंने कह रही थी कि इसने थोड़ी देर के लिए पहनना है, मोटो वॉक है इसका, एक दिन पहनेगा और वो भी इसने सही तरह से पहनना भी नहीं है, तो बाद में ये बेकार है, तो मैं क्या करूँ इसका. मुझे तो चाहिए जो यूरो 2 यूरो का मीटर कपड़ा मिले तो वो काफ़ी होगा ना इसके लिए. उसके लिए मुझे हॉलैंड जाना पड़ना था और ना मेरे हस्बैंड का ही कोई मूड था उधर जाने का और ना ही मेरा, क्योंकि आज माशाल्लाह से सैफ ने आना है घर में और मैंने खाने पे बहुत अहतमाम करना है ना, जैसे जो चीज़ें बच्चों को पसंद हैं. और मुझे ये था कि नहीं मैं आज टाइम पे घर ना इफ्तारी जो है ना टाइम पे बनानी शुरू कर दूँ, क्योंकि आज पहले दिन ही हम लोग सारे माशाल्लाह से इकट्ठे हैं. तो इसलिए फिर मैंने ना इधर लोकल बाज़ार में आई हूँ, तो कलर मुझे बड़े अच्छे वो मिल गए थे. जिक्र मैं ये करने लगी थी, तो 14 यूरो का मीटर था. जब मैं आई हूँ ना कासे पे यानी पेमेंट करने के लिए, तो मैंने उस लेडी से पूछा है कि ये कपड़ा मैंने लेना है और इस तरह से मैंने बनाना है, तो उसने मुझे कहती है कि तू इतना महंगा क्यों ले रही है, तो आ मैं तुझे ना दूसरा सस्ते वाला कपड़ा दिखाती हूँ. मैंने कहा मुझे मिला नहीं है वो, तो उसने फिर मुझे बताया इन्होंने ना एक अलग से, पहले तो उधर ही पड़ा होता था, अब इन्होंने सेपरेटली एक और कमरा बनाया हुआ है और उधर सस्ते वाला कपड़ा. इधर जो पिछले दिनों कार्निवाल वगैरह गुजरा है ना, कार्निवाल की कॉस्ट्यूम वगैरह बनाने के लिए लोग वो वाला कपड़ा लेते हैं, तो वो इसने मुझे दिखाया जो इसके हिसाब से एमी सा कपड़ा था. वो ठीक ठाक अच्छा जानदार कपड़ा है लेकिन रीज़नेबल प्राइस पे, 4 यूरो के हिसाब से, 4.5 का के हिसाब से या 5 के हिसाब से, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं रहा. कासमपुर में बस पड़ी हुई है, मेरा ख्याल है 5 यूरो के हिसाब से ना मीटर इसने दे दिया था. तो कहाँ 14 यूरो का मीटर पड़ रहा था. और वही मैं ना इन लोगों की ईमानदारी पर मुझे बड़ी वो माशाल्लाह से खुशी हुई कि कोई और हमारे जैसे हमारे एक्सपीरियंस हमारे मुल्कों में महंगा कपड़ा वो भाग भाग के बेचते हैं. इस औरत ने मुझे खुद कहा कि नहीं तूने एक दिन के लिए तेरे बच्चे ने पहनना है तो ये ना तू ले ये वाला. और कलर भी फाइनली ना मैच हो गया. मैं भी आप लोगों के साथ एंड पे वो फोटो शेयर करूँगी जो मैंने बनाना है. टाइम बहुत शॉर्ट है, इसको मंडे को चाहिए और मेरे पास अब सैटरडे संडे का दिन है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा. इतना मैंने कोई इतना नीट क्लीन तो मैंने इसे बनाना नहीं है, रफली मैंने इसे स्टिच करके देना है वक्ती तौर पर ये जो पहन ले, तो वो इससे आइडिया आप लोगों को हो जाएगा. कलर वैसे लकीली ना मुझे जो कलर मुझे चाहिए थे वही मिल गया. अच्छा बाद में हम लोग ग्रॉसरी करने चले गए, थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी बच्चों के लिए ना, बर्गर ब्रोचिन लेने वाली थी और घर की एक दो और चीज़ें लेने वाली थी. ये कनेक्ट मशीन आई हुई थी, बड़े अरसे से मैंने ये लेनी थी और ये बहुत रिजनेबल प्राइस पे थी, तो मैंने इसलिए ये ले ली है. जब खोलूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. आज की वीडियो में मैं ये नहीं इसको डिटेल में, मैंने इसे बेसमेंट में पहुँचा दिया. जब मैंने इसे खोला तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसी थी ये अंदर से ना ये. उसके बाद हम लोग आए हुए हैं इधर, ये होलसेल की दुकान है इधर, हर चीज़ बड़े मुनासिब रेट पे मिलती है और थोक के हिसाब से सब्जियां वगैरह फूल फल हर चीज़ थोक के हिसाब से मिलती है ना. तो वो साथ साथ थी ये दुकानें, तो गुजरते हुए ना हम लोग ने, हाँ सबसे जो मेन वजह यहाँ आने की वो ये थी कि यहाँ के अंडे बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेश अंडे होते हैं. और जो इधर के लोकल जो पोल्ट्री फार्म हैं, जो किसान वगैरह जिन्होंने घरों में मुर्गियाँ वगैरह जो रखी हुई हैं ना, तो उन्हीं की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो उनकी जो मुर्गियों की प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इनके पास फ्रेश होती हैं और बड़े अच्छे जायके में बड़े अच्छे हैं इनके अंडे, बजाय इसके कि बंदा लीडर लाल्डी से ले, इनके अंडे बहुत अच्छे होते हैं. तो वो ज़्यादातर इन दिनों हमारे घर में माशाल्लाह से सुबह फ्रेंच टोस्ट बनते हैं, बच्चे वही खाते हैं, तो फिर अंडों लेने के लिए ना मैं इधर आई थी. और ऑरेंज जो थे, पूरा जो कटन था ना ऑरेंज का 15 kg का, वो मुझे 10 यूरो में मिल गया. फिर मैंने वो भी एक ले लिया. इन दिनों आने वाले दिनों में मुझे बहुत पसंद है ऑरेंज जूस, सभी को सुबह के टाइम ना अच्छा लगता है, अगर कोई बना के दे दे तो बड़ा मज़ा आता है पीने का, सिर्फ बनाने का वक्त होता है. और लेके मैं आई हूँ, अब देखते हैं बच्चे पीते हैं कि नहीं. मुझे पता है इन्होंने नखरे तो बहुत करने हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि बच्चे थोड़े से विटामिन भी ना, ये इन दिनों चूँकि रोज़े वगैरह रख रहे हैं तो थोड़ी इन्हें विटामिन वगैरह अभी ना इस तरह से मिले. तो ये वो दुकान है जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ. इसके अंदर हमें थोक की हर चीज़ मिल जाती है, फूल फल सब्जी हर चीज़ इनके पास ना थोक रेट पे होती है, बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती है. ये गोभी का जो एक ये फूल है ना, मुझे 80 सेंट में मिला है. पिछले दिनों लीडर आल्डी पे गोभी जो थी 5 यूरो तक गई हुई थी. और इसी तरह ये खीरे जो हैं 60 सेंट का एक मिला है, तो काफ़ी रिजनेबल. अगर इधर कभी आ जाऊँ ना मैं, चक्कर लगे मेरा, तो अच्छी चीज़ें मिल जाती. हालांकि कोई दूर नहीं है ये वाला स्टोर, लेकिन वो ही ना कि इंसान की आदत होती है कि अगर मैं एक स्टोर में घुसी हूँ, या जैसे फर्ज करें लीडल पे मैं गई हूँ खरीदारी करने, तो फिर मैंने हर चीज़ उधर से ले लेनी है. अब ये नहीं है कि मैं घूम घूम के सब्जी यहाँ से लूँ, फलां चीज़ फलां दुकान से लूँ. उधर से जो मिलता है ना तो वो लेके तो बंदा घर आ जाता है. कभी कभार जूसेस वगैरह के लिए या योगर्ट
के लिए मुझे ये है कि बच्चे लीडल का जो चीज़ नहीं खाते तो वो अल्डी से भी मैं लेके आती होती हूँ, लेकिन ये है कि इस दुकान पे ना ये थोड़ी आउट ऑफ सिटी भी कह लें है दुकान, तो इसलिए फिर जब कभी मैं इधर आऊँ तो कभी कभार ही आती हूँ। ये नहीं है कि मेरे वे में नहीं है, मैं ज़्यादातर जिधर जाती हूँ उस रास्ते में लीडल और आल्डी है, तो उधर से ख़रीदारी की और वापस घर चले गए। तो ये अब बेसमेंट में पहुँचा देनी है मैंने, और अंडे जो है मैं लेके आई हूँ इनको मैंने पहले बहुत अच्छी तरह से वाश कर लेना है और इसको फिर धो के तो फ्रिज के अंदर रख देना है। पिछले दिनों से ना मैंने कुछ पहले नहीं खैर मैं करती थी ऐसे ही लाई तो पैकेट का उठा के रख दिया, लेकिन अब मैं धो के रखती हूँ। रीज़न इसकी ये है कि फ्रिज में ना अंडों की काफ़ी स्मेल सी पिछले दिनों ना मुझे आई है, कोई महीना डेढ़ दो पहले की बात है, तो तब से अब ना मैं धो के इन्हें अच्छी तरह से ला के धो के तो ऐसे मैंने थोड़ी देर ऐसे पड़े रहने देना है। ये जो इनका मैंने लिया हुआ है बेल्टा सा, इसके अंदर पड़े रहेंगे, जैसे खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैंने फ्रिज में उठा के रख देने हैं। और इसके बाद जब मैं वापस आई थी ना घर, तकरीबन हमें घर आते आते 5:15 हो गए थे और रोज़ा खुलने का टाइम था आज 6:45 का, तो फिर इस ड्यूरेशन में ना मैंने फटाफट जो चिकन वगैरह घर में जाने से पहले निकाल के गई थी, जो मैंने अब चीज़ें बनानी हैं वो मैंने यखनी चढ़ा दी, मैंने थोड़ा सा पुलाव बना रही हूँ, ये मैंने ऑरेंजेस, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी है ना तो मैंने इनको क्रश करके ना तो फ्रीज़ किया हुआ है ऐसे क्यूब्स बना के, तो अब इसका मैंने ड्रिंक्स एक बना लेना है। मैंने सादा पानी डाला है, चीनी का एक चम्मच डाला है, और जो ऑरेंज के क्यूब्स मैंने बना के रखे हुए हैं ना वो मैंने 4-5 डाल दिए थे, और तकरीबन कह लें कि ये मैंने 2 छोटे ग्लास जो है ना ये उतना ही तकरीबन 2.5 ग्लास तकरीबन होगा इतना मैंने बनाया था, सिर्फ इतना है कि जितना आज के मैंने ही पीना है। मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ मैं ही पीऊँगी तो मैंने अपने लिए बनाया था, लेकिन बाद में बच्चों ने भी ले लिया था। पीते हुए अगर आप चाहें जब आप लोगों ने यूज़ करना है इसे तो थोड़ा सा काला नमक भी इसके अंदर डाल लें तो बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है और सही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन जाता है ना ये इस तरह से। इस टाइम मैं आप लोगों को जो सीन नज़र आ रहे हैं, मैं ना भल्ले बना रही हूँ, ये मैंने बना के ये भी फ्रीज़ किए हुए हैं, माश की दाल और मूंग के मिक्स बना के रखे हुए हैं, और इस तरह से इन्हें दही में मिक्स कर देना, दही के अंदर मैंने मिर्च और नमक और ज़ीरा डाल के तो इसे पहले हिला लिया था और इसके अंदर भल्ले डाल दिए और अंदर मैंने टमाटर और सिर्फ प्याज डाला था। चाहे तो आप आलू वगैरह चने वगैरह हर चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाती हूँ, ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं डालनी है ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए ना। और चावलों के साथ चूंकि मैंने रायता वगैरह और कुछ नहीं बनाया था तो इसलिए मैंने भल्ले बना लिए थे कि बच्चे बड़े शौक से ना ये पुलाव वगैरह हो ना तो उसके साथ ये ले लेते हैं। पीछे जो आपको पैन नज़र आ रहा है ना इसमें मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ, जो मैंने बीफ के कबाब बना के रखे हुए हैं ना वो वाले मैं कबाब तल रही हूँ, और ये चिकन पुलाव तो आपको पता ही है कि फटाफट ही बन जाता है। इसको मैंने आज बच्चे में मैंने बहुत कोशिश की है कि थोड़े से चावल बनाऊँ। चिकन का ये जो पैकेट था ना जो मैंने अपने नॉर्मल रूटीन के लिए पैकेट बना कर रखे हुए ना उसमें से मैंने हाफ चिकन लिया है ये, और चावल भी मैंने ये छोटे वाले जो कप ये चाय वाले जो जिसमें अभी मैंने पानी डाला है ना ये वाला 1.5 कप मैंने चावल बनाए हैं हमारे लिए ना पूरी फैमिली के लिए, माशाल्लाह ये काफ़ी हैं। शाम शाम में यानी जो ख़त्म हो जाए ना, ये नहीं है कि बच जाएँ और फिर मैं उन्हें संभालती फिरूँ फ्रिज में कहाँ रखती फिरूँ, इसलिए मैं पूरी पूरी सी चीज़ बनाती हूँ। तो माशाल्लाह से अब तक तो ऐसे ही है कि जो थोड़े चावल जो है ना वो नहीं बचते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। साथ में मैंने पीछे अब कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने जो समोसे वगैरह ना वो फ्राई कर लेने हैं, और फिर जो स्प्रिंग रोल बना कर रखे हैं उन्हें फ्राई करना है। ये मैंने चाट जो है ना ये हस्बैंड से मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि ये फल ज़रा मुझे काट दें, क्योंकि टाइम बहुत मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा रह गया है, तो इसको मैंने सिर्फ मिक्स कर लिया है। मैंने 1 चम्मच चीनी का डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और ऑरेंज जो मैंने फ्रेश रखे हुए हैं ना उनको मैंने एक ऑरेंज जूस जो है उसका मैंने उसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया था ऑरेंज के इसके अंदर, तो इस तरह से ये बड़ा मज़ेदार सी चाट सिंपल सी है। चीनी डालनी है आपने, थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, चाट मसाला डालें और ऑरेंज एक इसके अंदर छिड़क दें, स्क्वीज़ कर दें ऑरेंज, तो बड़ी मज़े की है, सिंपल सी ना जूद हज़म भी है, जल्दी हज़म हो जाती है, इतनी कुछ स्पाइसी नहीं होती है। और साथ में मैंने स्प्रिंग रोल और जैसे आप लोगों ने देखा है समोसे वगैरह फ्राई कर लिए हैं। टेबल मैंने बच्चों से कहा था, उन्होंने चीज़ें वगैरह रख दी हैं, सेट कर दी हुई हैं। इस टाइम अभी तक ऑरेंज जूस पड़ा हुआ है, फ्रूट चाट पड़ी हुई है और भले पड़े हुए हैं। चावल मैंने दम पर रखे हुए हैं और कबाब मेरे जो है ना वो भी तकरीबन रेडी हो गए हुए हैं। समोसे और ये जो स्प्रिंग रोल है ना ये तो माशाल्लाह से हमारे घर में तकरीबन हर रोज़ ही बनते हैं, बच्चों की ये रिक्वेस्ट ज़रूर होती है। और इस दफ़ा जो स्प्रिंग रोल है ना हम लोगों ने सब ने जब किंजा की फ्रेंड्स वगैरह आई थी सब ने हमने मिलके बनाए थे, कुछ ऐसे बने हुए हैं कि ये हमेशा कोई ना कोई खुल जाता है ना। चावल निकालो, दुआ भी मांगा करो ना, जो भी दुआ मांगते हैं ना अफ्तारी के टाइम अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करती है।
चिमनी वाली चटनी फिर से निकालूं तो याद आ गया। भल्ले भी बनाए हुए हैं ना। अब ये कबाब तुम लोगों ने खत्म भी करने हैं, मेरे से एक्स्ट्रा बनवाए हैं। तो ये थी आज की हमारी इफ्तारी जो आप लोगों ने देखा है, जो कुछ कुछ मैंने बनाया है टेबल पे, जो जो कुछ भी रखा हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान ऐसे ही बात रखे। तो ये थी फिर आज की वीडियो, आई होप कि आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और इसे फुल वॉच कम्प्लीट वॉच किया करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग फिर मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।